मुंबई इंडियंस के क्रिकेट निदेशक जाहिर खान ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि 5 बार की चैंपियन टीम धीमी शुरुआत करती है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि आईपीएल जैसे लंबे टूर्नामेंट में टीम का माहौल उत्साहपूर्ण बनाना रखना महत्वपूर्ण है। बीते समय की तरह इस बार भी ऐसा ही रहा है और मुंबई इंडियंस की सत्र की शुरुआत निराशाजनक रही है। उसे 27 मार्च को अपने शुरुआती मैच में दिल्ली कैपिटल्स से 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। जाहिर ने कहा है कि हम किन खिलाड़ियों को ले सकते हैं, इन विकल्पों के बारे में काफ़ी रचनात्मक बातें होती रहीं। पहला मैच हमेशा ही पेचीदा होता है और हम टूर्नामेंट के पहले मैच में कैसा करते रहे हैं इससे आप वाकिफ ही हों, इसलिए आमतौर पर हम धीमी शुरुआत ही करते हैं। यह लंबा टूर्नामेंट है, इसलिए आपको टीम के माहौल उत्साहपूर्ण बनाए रखना होगा। अभी तो यह जल्दबाजी होगी, मैं कहूँगा कि बहुत जल्दबाजी है, इसलिए पूरा दल इसे ऐसे ही देख रहा होगा। टीम में हर खिलाड़ी का उत्साह और तैयारी बहुत ही शानदार है, हम पहली जीत की तलाश में हैं। जाहिर ने यह भी पुष्टि की है कि उनका शीर्ष बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव उंगली में चोट से उभरने के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के लिए टीम में चयन के लिए उपलब्ध होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वह अभ्यास कर रहा है और हम उसका इंतजार कर रहे थे और वह अगले मैच के लिए उपलब्ध होगा। फरवरी में कोलकाता में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में क्षेत्र रक्षण करते हुए उनकी उंगली में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया और वह बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में इससे उभर रहे थे, जिससे वह मुंबई इंडियंस के पहले मैच में नहीं खेल सके। हालांकि मुंबई इंडियंस के पहले मैच में ईशान किशन के पैर के अंगूठे में शार्दुल ठाकुर की यॉर्कर लग गई थी और उनकी जगह आर्यन जुआल को विकेट कीपिंग की थी, लेकिन जाहिर ने कहा है कि किशन अगले मैच के लिए फिट हैं, वह पूरी तरह ठीक हैं, वह नियमित अभ्यास कर रहा है और हमें अगले मैच में पहले काफ़ी समय भी मिल गया जिससे उसे मदद मिली। मुंबई इंडियंस में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।